हेलो फ्रेंड्स, आई एम कनिका कंसल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग अपनी पाइथन की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने लिंक्ड लिस्ट देखा था कि लिंक्ड लिस्ट क्या होती है, उसका बेसिक देखा था कि उसमें नोड क्या होती है, नोड का स्ट्रक्चर कैसे होता है और नोड को हम लिंक करके एक लिंक्ड लिस्ट कैसे तैयार करते हैं। आज हम उसमें उसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, मीन्स हम नोड को पाइथन प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हुए नोड कैसे बनाएंगे, उसके लिए एक लिंक लिस्ट कैसे बनाएंगे, उसमें हम नोड्स को कनेक्ट कैसे करेंगे, नोड्स उस लिंक लिस्ट को हम ट्रेवर्सल करके देखेंगे, ये चेक करेंगे कि वो लिंक लिस्ट एम्प्टी है या अगर उस लिस्ट में कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं तो हम उनको कैसे ट्रेवर्स कर सकते हैं, हम एक एक करके अपने इन वीडियोज़ में चेक करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने नोड क्रिएट करना चाहते हैं। नोड क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करेंगे। तो हम नोड, जो ये हमारी बेसिकली ये वाली जो नोड होती है, जिसके अंदर क्या होता है, बेसिकली हमारे दो फील्ड्स होते हैं, कौन कौन सा, एक नोड और एक डेटा। तो बेसिकली इसको, इस नोड को क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक अपनी क्लास लेंगे। क्लास का नेम हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, तो लेट से हमने यहाँ पर लिया नोड। हम एक नोड बनाना चाहते हैं, नोड का स्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहते हैं, जिसके अंदर दो फील्ड्स होंगी, एक डेटा फील्ड और एक लिंक की फील्ड। तो हमने लिखा क्लास नोड। इसके अंदर हम अपना इनिशियलाइजेशन मेथड लेंगे, मीन जब भी हम ऐसे क्लास बनाते हैं तो उसके अंदर इनिशियलाइज मेथड आता है, डेफ अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर, ये दो आते हैं, अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर। इसके अंदर हमारे एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर जाता है सेल्फ, और एक हम इसमें डेटा फील्ड देना चाहते हैं, तो एक हमने पैरामीटर ले लिया डेटा। इसके आगे भी कॉलन आएगा, फिर जो हमने ये सेल्फ पैरामीटर लिया है, हम लिखेंगे सेल्फ डॉट डेटा इक्वल टू डेटा, और हम स्टार्टिंग में ले रहे हैं लिंक को नल, तो हम लिखेंगे सेल्फ डॉट लिंक। इसको हमने क्या ले लिया, इसको हमने ले लिया नन, मीन्स अभी इस लिंक में क्या है, फिलहाल इस नोड के लिंक में क्या है, नल है। मीन्स क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बेसिक नोड क्रिएट कर रहे हैं, अभी हम इसे किसी से लिंक तो कर नहीं रहे, तो सिर्फ इतना कोड लिखने से, इस क्लास को बनाने से, नोड नाम के क्लास बनाने से क्या हुआ, हमारा एक नोड का स्ट्रक्चर प्रिपेयर हुआ, जिसके अंदर दो पैरामीटर्स आए, पहला क्या डेटा और दूसरा क्या लिंक, और लिंक में अभी हमने क्या डाल दिया, नन। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से अगर हम बार बार करेंगे तो मतलब बेसिकली इससे क्या होगा, हमारा नोड का स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। अब हम यहाँ पर कितने भी एलिमेंट्स इंसर्ट करा सकते हैं इस नोड के थ्रू अपने लिंक्ड लिस्ट में। अब उन नोड्स को बेसिकली ज्वाइन करने के लिए हमें एक नई क्लास बनानी पड़ेगी, जिसका हम नाम देंगे लिंक्ड लिस्ट। हम लिखेंगे क्लास लिंक्ड लिस्ट, और ये हमने लिंक्ड लिस्ट क्लास के बनाई है इन पर्टिकुलर सेपरेट नोड्स को एक दूसरे से लिंक करने के लिए। इसके अंदर हम अगेन पहले क्या देंगे, इसके अंदर हम फिर से क्या देंगे, अपना इनिट इनिशियलाइजेशन मेथड। हम लिखेंगे डैश अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर, और यहाँ पर हम कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहे, कोई डेटा पास नहीं कर रहे, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसका डिफ़ॉल्ट पैरामीटर देंगे सेल्फ। और जो हमारा हेड होता है लिंक्ड लिस्ट में, जो क्या करता है, सबसे पहले नोड के एड्रेस को अपने अंदर स्टोर करता है, हम उसको अभी क्या कर देंगे, नन। तो हम लिखेंगे सेल्फ डॉट हेड इक्वल टू नन, क्यों, क्योंकि ये हमारे स्टार्टिंग है, हम यही मान के चल रहे हैं कि अभी तक हेड में भी कोई एड्रेस, कोई लिंक, कोई नोड स्टोर नहीं है। तो इस क्लास को क्रिएट करने से क्या हुआ, हमारी एक लिंक लिस्ट नाम की क्लास क्रिएट हुई। अब जितने भी हम अपने फंक्शंस बनाएंगे, ट्रेवर्सल के लिए, इंसर्शन के लिए, डिलीशन के लिए, वो सब इस क्लास के अंदर आएंगे। पहला फंक्शन में हमने बस सिंपली इसमें क्या करा, इसमें हमने एक क्लास क्रिएट करी, एक लिंक लिस्ट क्रिएट करी, जिसके हमने हेड में अभी क्या दिया, नन। अब हम यहाँ पर सबसे पहले इंसर्ट कर, यहाँ पर हम ट्रेवर्सल करके देखना चाहते हैं कि मीन्स अभी इस उसमें कुछ है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम एक और फंक्शन लेंगे डेफ, और इसका नाम हमने दे दिया प्रिंट, और इसमें हमने क्या पैरामीटर दिया, अगेन सेल्फ, क्योंकि हम कुछ इंसर्शन करा नहीं रहे हैं, कोई डेटा देने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हमने इसका डिफ़ॉल्ट पैरामीटर क्या दिया, सेल्फ। अब हम इसमें पहली कंडीशन चेक करेंगे कि अगर जो हेड है लिंक्ड लिस्ट का, जो हेड वाली नोड होती है, जो हेड होता है, अगर वो वेरिएबल, वो हेड अगर नन है, अगर उसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो हम नॉर्मली क्या प्रिंट कर दें कि अभी हमारी लिंक्ड लिस्ट क्या है, एम्प्टी है। और अगर उसके अंदर कुछ एड्रेस स्टोर है, तो हम क्या करें,
उस एड्रेस पर जाएं, उसके नेक्स्ट एड्रेस पर जाएं, जाते रहें, नेक्स्ट टू नेक्स्ट जाते रहें, कब तक, जब तक लिंक में हमारा नन ना आ जाए और वो प्रिंट करता रहे डेटा। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इफ सेल डॉट हेड इज नन, कि अगर सेल्फ डॉट हेड में क्या है, नन है, तो क्या प्रिंट हो जाए, तो प्रिंट हो जाए लिंक्ड लिस्ट इज एम्प्टी, कि जो हमारी लिंक लिस्ट है वो क्या है, एम्प्टी है। क्यों? क्योंकि हमारे डॉट की जो हमारा हेड है उसमें क्या है, नन। एल्स, एल्स क्या हो, हम क्या करेंगे, अपने सेल्फ डॉट हेड को पहले तो एक एन नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, जिससे बार बार हमें सेल्फ डॉट हेड ना लिखना पड़े। अब हम कहेंगे अगर हमारा सेल्फ डॉट हेड नन नहीं है, मीन्स वाइल एन इज नॉट नन, हमने सेल्फ डॉट हेड को क्योंकि एन में स्टोर कर लिया है, तो हम लिखेंगे वाइल एन इज नॉट नन। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे इस सेल्फ के हेड पे लिंक पे उस एड्रेस पे जो डेटा है उसको, एन डॉट डेटा, कि इसका जो भी डेटा है वो प्रिंट होता रहे। और जैसे ही पहला डेटा प्रिंट हो तो वो नेक्स्ट एड्रेस पे चला जाए, तो एन इक्वल टू एन डॉट आर ई एफ। जैसे वो नेक्स्ट एड्रेस पे जाएगा फिर वाइल लूप चेक करेगा, अब भी वो रेफरेंस नन नहीं है, फिर अब उसका डेटा प्रिंट हो जाएगा, फिर वो नेक्स्ट एड्रेस पे जाएगा, फिर उसका डेटा देखेगा हमारा वो नन नहीं है, फिर वो प्रिंट कर देगा। इस तरीके से क्या होगा, हमारे अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं होगी तो वो उसके डेटा को प्रिंट करता जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे क्लास के अंदर का मेथड हो गया, फंक्शन हो गया। अब हम इसके लिए एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हमने ऑब्जेक्ट का नाम दिया एलएल, और हमने क्या करा, उस ऑब्जेक्ट में अपने क्लास को कॉल करा, वो क्या है, लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट बनाया एलएल नाम का, और अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इस लिंक्ड लिस्ट क्लास के जो भी हमारे फंक्शन हैं जैसे कि प्रिंट, उसको हम कॉल करेंगे। हम लिखेंगे एलएल डॉट प्रिंट, और ऐसा करते ही जैसे ही हम इसे रन करेंगे, इसने अभी हमें क्या आउटपुट दे दिया, इसने कहा लिंक्ड लिस्ट इज एम्प्टी, क्योंकि अभी तक फिलहाल इस लिंक्ड लिस्ट के अंदर हमारा कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं था, तो इसलिए इसने हमें क्या प्रिंट करके दे दिया, लिंक्ड लिस्ट इज एम्प्टी। यहीं पे अगर हम क्या करें, हम करें जब हमने नोड बनाई थी, यहाँ पे हम लिखें नोड वन इक्वल टू, हम नोड क्लास को यूज़ करें और यहाँ पे हम दे दें नोड ऑफ 10, और जैसे ही हम क्या करें, हम कर दें प्रिंट नोड वन। जैसे ही हम ऐसा करेंगे ये हमें क्या आउटपुट देगा, यहाँ पे हमें इसने कुछ ऐसा लिख के दे दिया, मेन डॉट नोड ऑब्जेक्ट एस दिस, इट मीन्स कि इसने उस हमारे डेटा का एड्रेस दे दिया, कि जो हमारा 10 है वो हमारे कहीं इस एड्रेस पे प्रेजेंट है, या जो वो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है नोड नाम का, नोड वन नाम का, वो हमारे इस एड्रेस पे प्रेजेंट है। और उसके बाद उसने क्या दे दिया, लिंक्ड लिस्ट इज एम्प्टी, क्योंकि अभी तक वैसे हमने कुछ परमानेंटली तो इसमें इंसर्ट करानी है, जब हम यहाँ पे अपना इंसर्ट का फंक्शन लगाएंगे, उसे कॉल करेंगे, उसमें हम फंक्शन को अपने एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे, तब वो हमें प्रिंट कॉल करने पे तब वो हमें एलिमेंट देगा। अभी तक यहाँ पे हमने कुछ भी करा नहीं है, इसलिए बार बार हमें क्या दे रहा है आउटपुट, या हमें दे रहा है लिंक्ड लिस्ट इज एम्प्टी। सो बेसिकली इस वाले कोड से हम क्या करते हैं, इसको हम हटा देते हैं यहाँ पर पहले तो, इस नोड वाले पार्ट को यहाँ पर, ये बस मैंने आपको रन करके दिखाया था कि कैसे वो करता है। तो बेसिकली ये वाला पार्ट क्या कर रहा है, ये वाला पार्ट हमारा एक नोड क्रिएट कर रहा है, ये वाली क्लास हमारे नोड का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है कुछ इस तरीके से, जिसमें क्या क्या है, एक डेटा पार्ट है और एक लिंक पार्ट है, जो कि फ़िलहाल क्या है, नन है। फिर क्या हो रहा है, हमने लिंक लिस्ट की क्लास क्रिएट करी, ये क्या कर रही है, हर नोड को लिंक करने का काम करेगी ये वाला पार्ट जो है, ठीक है। फिर हमने प्रिंट नाम का एक फंक्शन बनाया, ये क्या कर रहा है कि अगर हमने कहा सेल्फ डॉट हेड नन है तो ये प्रिंट कर दे कि लिंक लिस्ट एम्प्टी है, वरना वाइल लूप लगाए गए, अगर नन नहीं है तो क्या करता रहे, वो डेटा को प्रिंट करता रहे और नेक्स्ट एड्रेस पर जाता रहे। ये हमने ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट करा, हमने ऑब्जेक्ट बनाया एलएल नाम का और उसने अपने क्लास को दिया, और यहाँ पे हमने क्लास के मेथड्स को कॉल करा ऑब्जेक्ट की हेल्प से। तो इस तरीके से करके हम अपने क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के थ्रू अपने लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम इसमें इंसर्ट करना सीखेंगे, कैसे हम एलिमेंट्स को बिगनिंग में या एंड में या फिर किसी इन बिटवीन हम किसी एलिमेंट को कैसे इंसर्ट करते हैं। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।